नहीं ऋतिक, तुम्हारे भाई बहन नफरत करते हैं मुझसे। उन्हें तो यही लगता है कि मैं उनके पिता अंकुश रहजा की कातिल हूँ। वो दूसरी नागिन हूँ मैं। नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पर मैं यहाँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता शिवण्य। तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां भी नहीं है, और वो यामिनी और शेषा नागमणि के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता शिवण्य। हम जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे। लेकिन ऋतिक, इतने शुभ अवसर पर मैं अमृता दीदी की खुशियों में बाधा नहीं डाल सकती। बाधा कैसी शिवण्य? अमृता दी अंगद दिव्या से तुम्हें भी प्यार है, वो तुम्हारा भी परिवार है, और तुमने हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया है। मैं उन्हें तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैं उन्हें यामिनी की सच्चाई नहीं बता सकता, पर तुम्हारी तो बता सकता हूँ। और एक बार वो सच जान जाएंगे तो तुम्हें उतना ही प्यार देंगे जितना पहले देते थे। यामिनी, वो तो मुझे देखते ही। वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने उसे बोल दिया है कि हम दोनों शादी में साथ आएंगे। अगर वो ऐसा कुछ भी करेगी तो इतना तो वो भी जानती है कि मैं अपने भाई बहनों को सब सच बता दूंगा। तुम यामिनी की चिंता मत कर, मुझे चिंता किसी और की है। किसकी? शेषा। वो कोई ना कोई रूप लेके वहां जरूर आएगी और तुम पर वार करेगी, पर मैंने उसका भी रास्ता निकाल लिया है। नहीं ऋतिक, तुम मुझे ये अंगूठी दे दोगे तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? ये मैं नहीं पहन सकती। नहीं शिवण्या, इस अंगूठी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। तुम्हारा प्यार, तुम्हें प्यार से पहना रहा है। प्लीज। दी, ये देखो ब्राइडल लहंगास की लेटेस्ट डिजाइन। अब इसमें से चूज करके बताओ आपको कौन सा पसंद है। नहीं, ये ऑनलाइन डिजाइन नहीं, मैं तो कोई ब्राइडल एक्सक्लूसिव लहंगा पहनूंगी अपनी शादी में, जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा। ओके, डन। मेरा ना एक डिजाइनर फ्रेंड है जिसने ना लास्ट ईयर दीपिका की ड्रेस डिजाइन की थी। यू विल लव हर डिजाइंस दी। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। तुम लोगों को जितनी शॉपिंग करनी करो, लेकिन मैं तुम लोगों का कूली या ड्राइवर नहीं बनवा। ओके। नाटी बॉय, एक बार बीवी आ गई ना तो पता चलेगा। वो इसको ड्राइवर, कुली तो क्या, स्वीपर और क्लीनर भी बना देगी, तब देखेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। जिससे तू प्यार कर रही थी उसी की होने जा रही है, और आज शाम को तेरी सगाई हो रही है। पागल कई की, अगर तू उसे प्यार करती थी तो मुझे पहले ही बता देती। मैं करण से तेरे रिश्ते की बात ही नहीं करती। आप तो खुश है ना पगली। दी, आपकी सगाई का लहंगा रेडी हो गया? यस, मैंने ना एक्सक्लूसिव लहंगा सिलवाया है। अब देखना, जब पहनूंगी ना क्या दिखूंगी मैं। रम्या, वैसे केटरिंग वालों से हमारी बात हो गई है और डेकोरेटर्स भी आज शाम को आ रहे हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी तरफ से। मेरा भाई आ गया, अब जो करना है यही करेगा मेरे लिए, है ना? शिवण्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? निकल जाओ यहां से, गेट आउट राइट नाउ। शिवण्या को मैं लाया, आपकी शादी में शिवण्या भी मेरे साथ होगी। यही आप बोल रहे हो? आप जानते हो कि ये एक नागिन है जिसने हमारे डैड का कत्ल कर दिया, उसके बाद भी आप इसे अपने घर पे ले आए? ये यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुक सकती। शिवण्या अब नागिन नहीं, और ना ही हमारे डैड की कातिल। शिवण्या ने डैड को नहीं मारा, वो तो सिर्फ डैड को समझा रही थी कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। उतने में वो दूसरी नागिन आ गई और उसने डैड को मार दिया। और रही बात शैलेश अंकल, सूर्य अंकल और वीरेन भाई की, तो उन सब ने मिलके शिवण्या के माँ बाबा को मारा था। रहने दो ऋतिक, अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं इस शादी में शामिल हूँ तो मैं यहां से चली जाती हूँ। रुक जाओ शिवण्या, ये आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं है
मैंने कहा ना शिवन्या निर्दोष है, तो ठीक है। अगर शिवन्या शादी में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। चलो शिवन्या। रुक जाओ ऋतिक, तुम दोनों यही रहोगे हमारे साथ इस घर में। अमृता, ऋतिक तुम्हारा भाई है और शिवन्या तुम्हारी भाभी। रिश्ता बनता है बेटा, हक बनता है इन दोनों का तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का। चलो अमृता। अंगद, अमृता, रम्या तुम अच्छा हुआ तुम आ गई। वैसे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। केटरर्स को फोन करके फंक्शन से 2 घंटे पहले बुला दो, सारी तैयारी आराम से हो जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब लड़का और लड़के के घर वाले यहाँ आए तो उनके सामने सारी तैयारियां हो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे, ये भगवान, रम्या छोड़। तूने ऋतिक शिवन्या को इस घर में आने कैसे दिया? तुझे क्या लगता है उन दोनों को अपनी नजरों के सामने देखूंगी या नागिन डांस करूंगी मैं? हाँ, तू इस नागिन को भूल गई या फिर उस नागमणि को भूल गई? ए, चुप कर। नागिन के पास दिमाग बिल्कुल नहीं है, बस एक फन है, उठाया और दसा। हाँ, मेरी काली नागिन, मेरी सनकी नागिन, मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि शिवन्या यहाँ रहे और तू मंदिर जाकर वो नागमणि ले आए। तेरे पास दिमाग नहीं है या फिर दिमाग में भेजा नहीं है? वो नागमणि लाना इतना आसान नहीं है। नागमणि शिवलिंग के अंदर रखी है, हजारों नागों की रखवाली में। वहां से सिर्फ 2 लोग उसे हटा सकते हैं, एक ऋतिक और दूसरा उसका बाप संग्राम सिंह। कोई और उस नागमणि को छू भी नहीं सकता। अरे तो साफ साफ बोलना कि तू उसे नहीं छू सकती नागिन। खैर जाने दे, जब तक शिवन्या यहाँ है तू अपने कपड़े, मेरा मतलब है उसका रूप बदल के सही वक्त देखकर ऋतिक को यहाँ से ले जा मंदिर। हाँ, और वो नागमणि ले आ, इसके बारे में सोच। बहुत टाइम है तेरे पास सोचने के लिए, सोच सोच। नागिन उल्लू नहीं जो तेरी बातों में आ जाऊं। मैं वहां जाके नागमणि लाने की कहानियां बनाऊं और तू तू यहाँ ऋतिक और शिवन्या की प्रेम कहानी बनाए। भूल जा, मैं शिवन्या को मार के ही जाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमृता की शादी हो जाए उसके बाद तुझे डसना है, मारना है, काटना है, जो करना है तू कर, लेकिन अभी अभी तू कुछ नहीं करेगी, समझी काली नागिन? अच्छी तैयारी चल रही है। छाया भाभी,
आ गए आप। अरे दिव्या कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ भाभी। छाया भाभी 3 महीने हो गए आपको, वी मिस्ड यू। ओह मैंने भी सबको बहुत मिस किया। पता है मैं तो कल आने वाली थी, फिर पता चला अमृता की सगाई है, इसलिए टिकट प्रीपोन करवा ली मैंने। गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम्हारे बगैर इसकी सगाई कैसे हो सकती थी, है ना? कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि आपकी सगाई है। क्यों? मैं ऐसी हूँ इसलिए। बट आई प्रॉमिस, जब तक मेरी शादी नहीं होगी ना, मैं एकदम अपने होश और हवास में रहूंगी। पीने के बाद छाया बहुत थक गई होगी, जाओ बेटा जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। चलो भाभी हाँ आपको ले चलते। चलो। अरे उसको ऊपर लगाना ठीक से। देखा, किसी ना किसी बहाने मेरे पास आई जाती हो। मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मेरे पास आए हो। क्यों, तुम कोई आसमानी परी हो जो मैं तुम्हारे पास आऊंगा? थैंक यू। पास आने के लिए? नहीं, मुझे अपने परिवार के पास लाने के लिए। 7 फेरे लिए, 7 कस्में खाई हैं, निभानी तो पड़ेंगी ना, वरना अगले जन्म तो मुझसे बदला लेने आ गई तो। बदला तो मुझे यामिनी से लेना है। पर ऋतिक, तुमने अब तक यामिनी के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे भाई बहनों के मन में जो माँ की छवि है, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता। अगर उन्हें यामिनी की सच्चाई पता चल गई तो वो टूट जाएंगे, शायद ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि उनका असली चेहरा मेरे भाई बहनों के सामने ना आए। ऋतिक दी कितनी खुश है ना, मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि उनकी शादी किससे हो रही है। अरे तुम उसे अच्छे से जानती हो। क्या, कौन है वो? उसका ना, एक मिनट। अरे मेरा फोन आ गया, सुनो तुम एक काम करो, तुम खुद ही जाके दी से पूछ लो, उन्हें अच्छा लगेगा, मैं अभी आया। हेलो, हाँ दी, आपकी सगाई होने वाली है, अब तो इसे छोड़ दीजिए। शुजा शट अप, ओके? तुम अगर इस घर में हो ना तो वो मेरे भाई की वजह से, पर तुम्हें तो मैं, तुम ना थोड़ा दूर ही रहा करो मुझसे। आई जस्ट हेट यू, हेट यू, ओके? दारू मत पीना, बढ़िया लेक्चर देने के लिए। अमृता क्या बात है, क्या हुआ? ये क्या तरीका है उससे बात करने का? भाभी है तुम्हारी? माई फुट। बहुत लंबी कहानी है इस भाभी की, कभी आराम से सुनाऊंगी। वो क्या है ना, मेरी सगाई है, शादी हो रही है, मैं क्यों अपना मूड खराब करूं उसकी वजह से? आराम से बताऊंगी कभी। तुझे क्या लगा तू इस घर में आएगी और तेरी आरती उतारी जाएगी? तू तो यही चाहती थी ना कि हमेशा हमेशा के लिए तू इस घर में डेरा डाल के बैठ जाए और मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दे। वाह क्या सास है मेरी, बहू के बिना बोले ही समझ गई उसे क्या चाहिए। मैं तेरी जान लेना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, अब मैं नागिन नहीं रही, मैं फिर भी तुझे इस दुनिया में नहीं रहने दूंगी। एक बार अमृता दी की शादी हो जाए फिर तेरी बर्बादी तय है। मेरे अपनों के बीच तू मुझे धमकी दे रही है? तूने एक इंसान होकर भी अपनों को पराया कर दिया और मैंने नागिन होकर भी उन परायों को अपना कर लिया। वही अपनापन मुझे दी के शादी से पहले अपना इंतकाम लेने से रोक रहा है। डसने का फन खत्म हो गया तो बोलने का फन शुरू हो गया। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही तो मुझे मार सकती है और ना ही उस नागमणि को। तुम नागमणि मंदिर में हजारों नागों के बीच सुरक्षित है, तू उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी।
कौन कहां पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा, और वक्त कहता है तेरा वक्त बहुत जल्दी आएगा। हाँ, देखते हैं किसका वक्त कब आता है, कौन यहाँ रहता है और कौन यहाँ से जाता है। शिवन्या, हॉस्पिटल से फोन आया था, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, चलो हमें चलना होगा, जल्दी चलो। क्या हो गया आपको बाबा? बाबा! पकड़ो इन्हें। मार डालूंगा तुझे, मार दूंगा। बाबा को क्या हुआ? ये मुझे मारने की कोशिश क्यों? नर्स, दूसरा इंजेक्शन लाओ जल्दी। मार दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे। आप लोग प्लीज पेशेंट से दूर रहिए प्लीज। बाबा को अचानक क्या हो गया? मार दूंगा तुझे। ऋतिक को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नर्स, जल्दी इंजेक्शन लाओ फास्ट। मार दूंगा। बाबा के बारे में सोच रहे हो ना? इस वक्त वो अपने होश में नहीं है ऋतिक, पर देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अब सुबह रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि आगे करना क्या है। जरूरत पड़ी तो हम उन्हें देश से बाहर ले जाएंगे, अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे। लेकिन ऋतिक, अभी अमृता दी की सगाई है, हमें नीचे जाना है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ प्लीज। तैयार नहीं होना है तुम्हें? तैयारी तो हो रहा हूं, वो सारी अधूरी सुहागरातों के लिए जो आज भी इस कमरे में रहती हैं और कहती रहती हैं कि प्यार किया तो निभाना। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने ही वाले। यामिनी कहती है कि अमृता की शादी हो जाने तो उसके बाद शिवन्या को डसना, पर शादी हो जाने तक पता नहीं कितनी सुहागरातें मना लेगी शिवन्या मेरे ऋतिक के साथ। सुहागरात तो मनेगी, पर उसके साथ नहीं, मेरे साथ ऋतिक। फिर उसके बाद मुझे भी अगर नागिन से इंसान बनने की सजा मिलती है तो मिल जाए, नागमणि तो मुझे ही मिलनी है। की शक्तियों से मैं अमर हो जाऊंगी, जिंदगी भर के लिए तुम्हें पालूंगी ऋतिक, अपना बना लूंगी। अभी शिवन्या की मौत आई है।
मेरा जहर इच्छाधारी शिवन्या पे नहीं चढ़ता, पर ये तो एक इंसान है, फिर कैसे नहीं चढ़ा? तुझे मार नहीं सकती तो क्या हुआ? कुछ देर के लिए तुझे यहां से दूर तो कर सकती हूं, शिवन्या। योगीराज का फोन आया था, उन्होंने संकेत दिया कि कोई नागमणि लेने आ रहा है। मैं एंगेजमेंट छोड़कर जा नहीं पाऊंगा, क्या तुम चली जाओगी? ऋतिक चिंता मत करो, मैं अभी जाकर देखती हूँ। आज रात शिवन्या ऋतिक के साथ सुहाग रात मनाएगी, पर वो शिवन्या नहीं शेषा होगी। कोई नहीं जानता आज किस रूप में कौन आएगा और क्या कर जाएगा। कभी ने कहा था वो अभी आएगा, कहाँ रह गया? कब से इंतजार कर रही, दिख ही नहीं रहा इस घर में। मेरी दारू फिर भी नहीं मिल रही, मिल गई। आ गया हूं, नागिनों का सदियों पुराना दुश्मन वापस आ गया है, नेवला। गुजराती थिएटर का ड्रामा नहीं, ओवर एक्टिंग मत करिए। आप लोग पंजाबी हैं, पंजाबियों की तरह बात करें। पंजाबी पंजाबी, अब चलना पुत्र, अंदर चलिए। उन ठीक है, मैंने पंजाबी में बात करने के लिए कहा है, मेरे सर पे चढ़ने के लिए नहीं। कायदे से रो दो ना, वरना बंगाल का जादू करके फेंक दूंगा। जैसा तो बोलेगा वैसे करें। पंजाबी पंजाबी जी, हम पंजाबी हैं जी, पंजाबी हम। चलो, वेलकम बैक कबीर। यस आई एम बैक। ये हवेली है के, नमस्ते नमस्ते, हवेली है के राजमहल जी। सत श्री अकाल जी, आइए, रेजा हाउस में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल जी। वैसे पिछली बार तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, चलिए आज तो मुलाकात हो ही गई। हाँ जी, पिछली बार किस्मत में नहीं था, अब आप किस्मत में था जी, मिल लिए। लेकिन पिछली बार आप लोग आए क्यों नहीं, ऐसी भी क्या बात हो गई थी? ओ पुत्र, क्या बात हो गई थी, क्यों नहीं आए थे? ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन पहले ये बताइए कि सात समुंदर पार हम जिसके लिए आए हैं वो कहाँ है? हाँ। वो यहाँ है। हाय रब्बा, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी है भाई, वाह तेरी पसंद तो बड़ी चंगी है। मुझे नहीं पता था कि मेरी अमृता इतनी सुंदर है। नजर लग गई, नजर लग गई।
एक डाइटिंग, डाइटिंग। नहीं नहीं इसकी नजर लगी, तू ना देखना बार बार। दी पता था ना पिया आने वाला है, तू पिया के आने से पहले क्यों पिया? थोड़ा सा ही पिया मैंने, मुझे क्या पता था कि मैं। चलो आपकी वेली कितनी सुंदर है, ते डाले कितनी वड्डी है। ओए ओ जी, ये आपकी अपनी है या किराए पर लिए? अपनी है। अरे मम्मी जी मजाक कर रहे हैं, आदत है इनके मजाक करने की। क्या मम्मी जी, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? चुप रहो नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। मेरे बचपन की आदत मजाक करने की। हाँ जी। यार लास्ट टाइम की तरह रातों रात गायब तो नहीं हो जाओगे ना? इस बार गायब नहीं होऊंगा कि सब गायब करूंगा। तुम्हारी बहन को कबीर मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट ये सबसे अच्छी बात है कि हम सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तन्वी के वक्त ऐसे उस बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है। उस हादसे के बाद मैंने इंडिया छोड़ दिया और कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं जिंदा ही नहीं। फिर मुझे अमृता की याद आई, बड़ी अच्छी लगती है वो मुझे। सोचा क्यों ना उसके बहाने में इस घर में वापस आ जाऊं। मैंने मतलब फिर से जिंदगी जीना शुरू करता हूं। बहुत अच्छी है वो, उसकी वजह से मैं दोबारा जिंदगी जी सकता हूँ। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन ने तुम्हें चुना, उसे जिंदगी जीने की एक वजह और एक साथी मिल गया। क्या मतलब है तुम्हारा कि उसने मुझे पसंद किया? कहना क्या चाहते हो? मतलब मेरा कहने का मतलब था कि अगर मैंने कुछ गलत कहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है उसने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने उसे पसंद किया है। बहुत अच्छी लगती है वो, बहुत अनोखी है। हाँ बस जरा सी कमी है, कोई बात नहीं, मेरे प्यार से वो कमी भी दूर हो जाएगी। आखिरकार अब तुम्हारी बहन मेरी जिम्मेदारी जो है। ऋतिक, अब वो मेरे शूज अलमीरा के ऊपर है, उन्हें उतार दोगे प्लीज? तुम चलो मैं आता हूं। ऋतिक तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तो तुम मेरा इशारा समझ गए थे। आज ही अंधेरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ ऋतिक। हमें तुम्हारी अधूरी बात पूरी करी चला, अधूरी मुलाकात भी पूरी कर देते। मैं वापस आ गया हूं। सबको लगता है कि मैं उस बेवड़ी अमृता से शादी करने में नहीं, मैं तो मेरी फेवरेट नागिनों के लिए वापस आया हूं। सबको बताने जा रही हूं कि मैं एक नेवला हूं। जाओ बता दो सबको कि मैं एक नेवला हूं। नहीं तो मैं तुम्हारा ऋतिक मिलेगा और ना ही मिलेगी नागमणि।
तुम्हें कैसे पता कि मैं ऋतिक और नागमणि चाहती हूँ? उसी ने जिसने मुझे जिंदा किया। तुम दोनों ने मुझे खिड़की से बाहर बैठे ये भी नहीं देखा कि मैं मर गया हूँ। जिंदा नहीं, मर गया था मैं, लेकिन कोई था वहां जिसने मुझे जिंदा किया। कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, अब फिर से तेरा जहरीला वार का समय हो गया है। लेकिन इस बार तू मेरे लिए तैयार रहेगा। आज किसी और को नहीं, मुझे तेरी जरूरत है। तू जाएगा और मेरे लिए नागमणि लेकर आएगा। काम तो हो गया है, मैंने फिर से उस घर में वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। यामिनी को लगता है वो अकेली नागमणि उड़ा ले जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे से कौन नागमणि उड़ा ले जाएगा। कौन है वो जो उसके गुरूर को चकनाचूर कर देगा। रुमा, पर वो तो मर चुकी है। उस रूह को जिंदा करने वाली खुद कैसे मर सकती है? सारी मधुमक्खियां मर गई। अरे हजारों नागिन का जहर है मेरे अंदर। मैं नागिन के डंक से नहीं मरी तो तुम लोगों के डंक से मरूंगी मैं। पागल थे वो लोग जो ये सोच रहे थे कि गुरुमा मर चुकी है। लेकिन अब मरेगी वो जिसने मुझे मारा। अब शिवन्या मरेगी और उसके बाद मैं नहीं, तुझे नहीं मारूंगा। जा, तुझे माफ किया, क्योंकि हम दोनों का मकसद एक है, शिवन्या की मौत। उसे मारकर तुझे तेरा ऋतिक मिल जाएगा और उसके साथ साथ तू नागमणि लाकर मुझे देगी। अगर सौदा मंजूर हो तो एक नागिन और एक नेवला हाथ मिला सकते हैं। मंजूर? मंजूर, एक याद रहे, तुम्हारी होने वाली सासू माँ को ये ना पता लगा कि मैं एक नेवला हूं। जो चीज मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ वो नहीं दिलवा सकती है।
कि एक नागिन और एक नेवले की सदियों पुरानी दुश्मनी दोस्ती बन सकती है। जा मार दे शिवन्या को, उसके बाद ऋतिक भी मेरा और नागमणि भी मेरी। एक नेवला नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन था, है और रहेगा। एक बार शिवन्या को मारकर वो नागमणि मिल जाए, फिर तेरी बारी है काली नागिन, और तुझे मारने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। आइए रोके की रस्म शुरू करते हैं। अगर ये बुढ़िया मेरी माँ के किरदार में नहीं होती तो अभी वार कर देता। महारसम शुरू कीजिए। ठीक है, लो भाई मैं तैयार हूं शॉट देने के लिए। कौन सा सीन लगेगा बोलो। वो क्या है ना, मेरी माँ को लगता है कि उनकी जिंदगी का हर एक पल एक मूवी के सीन की तरह है, और वो उस मूवी में एक माँ का किरदार बखूबी निभा रही हैं। तो वो हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहती हैं। इसलिए माँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आप प्लीज रस्म शुरू कीजिए। करती हो पर करना किए। सुनिए, आपको शगुन के तौर पर ये चुनरी अपनी होने वाली बहू को उड़ानी है और तिलक लगाकर आशीर्वाद देना है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। लो भाई हमने तो रसम अदा कर दी, होड़ कुड़ी वालों की बारी है, मुंडा तैयार है हमारा। माँ अगर आप बुरा ना मानो तो कबीर का तिलक शिवन्या कर दे। क्यों नहीं, भाभी देखो ना शिवन्या कहाँ है। अगर शिवन्या ने मुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। के साथ रहना, पास रहना कितना अच्छा लगता है। काश वो शिवन्या कभी वापस ना आए। कितनी प्यारी जोड़ी है, किसी की नजर ना लगे।
मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ने आज मुझे जाना नहीं या मुझे ना जानने का कोई बहाना ढूंढ रही है। जानना होगा कि ये नागिन की कौन सी नजर है, जानना होगा। आपके इंजेक्शन लगाने का वक्त हो गया है। पेशेंट कहाँ गया? डॉक्टर, डॉक्टर पेशेंट अपने कमरे में नहीं है। तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। तुम्हारी बू से पता चल गया था कि नेव लाया है। मुझे मारने जा रहे थे ना? तुम भी धोखा खा गए। शिवन्या को तो मैंने पहले ही बाहर भेज दिया था। तुम भी कमाल के, मैं भी कमाल का। बड़े कसब के शातिर हैं हम दोनों। इन दो दुश्मनों की दोस्ती बहुत रंग लाएगी। क्या हुआ ऋतिक, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आई थिंक मैं आप दोनों के बीच में आ रहा हूँ। मुझे चलना चाहिए। क्या हुआ ऋतिक? शिवन्या, बाबा पता नहीं हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। तुम चिंता मत करो ऋतिक, सब ठीक हो जाएगा। वाह, बुड्ढा गायब हो गया। मेरे और ऋतिक के बीच आने वाली एक और बाधा कम हो गई।